अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, ये आज हमारा इवेंट है इंटरनेशनल स्टैमर्स अवेयरनेस डे 2018, और ये फर्स्ट टाइम हम लोग इवेंट कर रहे हैं इन कराची पाकिस्तान, और ये पहली बार पाकिस्तान में ये अवेयरनेस डे हम मना रहे हैं। इसका मकसद ये है कि सोसाइटी में स्टैमरिंग के बारे में अवेयरनेस दी जाए, जो स्टैमरिंग के ऊपर हकलाने के ऊपर हमारे सोसाइटी बहुत सारे मिथ हैं और जो बहुत गलत हैं, और मोस्टली स्टैमर्स को हमारे सोसाइटी में एज अ मजाक समझा जाता है। ये मजाक करने मजाक उड़ाने की चीज़ नहीं है। तो तभी ये अवेयरनेस डे का मकसद ये कि हम अपने आप को अनाउंस करें और लोग को अवेयरनेस दें अबाउट स्टैमरिंग। अच्छा लिखते हैं, मुनफरिद सोचते हैं, बेहद बासलाहियत हैं, बस बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है। इसी पैगाम को दुनिया भर की तरह कराची में स्टैमरिंग का आलमी दिन मनाया जा रहा है। माय नेम इज साद शुएब एंड आई हैव हैड दिस स्टैमर सिंस द एज ऑफ 6, और ये जो स्टैमरिंग है इट्स ऑल इन योर माइंड। ये पूरी चीज़ होती है आपके यहाँ पे। मुझे 5 या 6 साल की उम्र से स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है। स्टैमर सर्कल एक स्टैमरर्स के लिए एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है। इसका मकसद है बेसिकली पाकिस्तान में जो स्टैमरर्स हैं, जो बहुत बड़ी तादाद में, उनके लिए एक कम्युनिटी बनाना। मैं खुद जब पहली दफ़ा आया था यहाँ पे, तो मेरे उन दिनों में ये हाल था कि मुझसे सही से अल्फाज बयान नहीं होते थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह स्टैमर सर्कल में जब से आया हूँ मैं, मेरी स्पीच विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत बेहतर हो गई है, एंड वी आर ग्रोइंग थैंक्स टू दिस। एंड I would suggest to every stammerer कि जिसको भी stammering का issue है वो यहाँ पे आए, वो आई वुड लाइक एवरी स्टैमर के वो यहाँ पे stammer circle ज्वाइन करें। हमारा मकसद ये था कि जो भी लोग हमारी सोसाइटी में इस बात से अवेयर नहीं कि stammering क्या है, तो हमें ये मैसेज बताना कि ये प्रॉब्लम है, बजाय कि लोग किसी और जो कुछ बात हम जैसे लोग कहीं पे अटकते हैं तो उनकी बात टाल देते हैं। मैं हर किसी रिक्वेस्ट करूँगा कि ये इस बात को समझिए, उसको सामने वाले को बोलने को मौका दीजिए, बजाय कि उसकी बात काट देना। हकलाहट के बारे में आगाही ना होने और अदम एतमाद ना देने के बायस कई अफराद मायूसी का शिकार होते हैं। स्टैमरिंग सर्कल इज एन एप्रिशिएबल ग्रुप। जॉइनिंग दिस ग्रुप हैज गिवन मी confidence and motivation, so I will strongly recommend to all female stutterers to come over here and get benefit from it. My name is Mohammed Farooq and I'm a proud stammer. To be very honest, joining into this group was the biggest and the greatest decision I could ever take. I learned a lot of positive things from here. I learned how to share my problems and how to understand others. All the members of this group are really cooperative and supportive. And if you are a stammer, you should join us as well. Assalamu alaikum. My name is Adarsh Panjwani, a stutter boy. I think I was 6 or 7 years old when I got this stammering. Log meri baat nahi sunte the. Wo mujh pe focus nahi karte the ki main kya bol raha hu. Wo meri baat ko sunte hi nahi the. Ye meri ek dili khwahish thi ki mujhe aise log mile, mujhe ek aisa platform mile jahan pe main baat kar sakun, jahan pe log meri baat sun sake. Wo log, wo platform mujhe is सेल्फ हेल्प ग्रुप में मिला जिसका नाम है स्टैमर सर्किल। इस ग्रुप का मेन मकसद ये है कि टू बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस, टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, टू ओवरकम योर फियर। इस ग्रुप ने ना सिर्फ मेरा फियर कम किया है, बल्कि जो भी मेरे माइंड में जो नेगेटिविटीज थी उनको ओवरकम किया है। एंड मैं आपको ये बोलूँगा कि इफ यू आर स्टैमर देन यू आर नॉट अलोन, वी आर विद यू। स्टैमर सर्कल जो हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उसकी जर्नी बहुत ही ना इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ना मज़े की है। एक जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है कि यहाँ पे आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस
मिलता है और बीइंग अ यहाँ का ओल्डेस्ट मेंबर एक नर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि आप नए जो स्टेमर्स आए कि उनको भी नए जो आए स्टेमर्स उनको भी ना कॉन्फिडेंस दें. अकलाना कोई बुरी बात नहीं है. अगर कोई ना अकला रहा है तो कोई मसला नहीं है, वो ठीक भी हो सकता है. और फिर ना उसको अगर वो हकला रहा है तो उसको ना जाने दें, उसका कोई मजाक नहीं उड़ा है. मैं फाउंडर हूँ स्टैमर सर्कल का और स्टैमर सर्कल इज सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ स्टैमरर्स जहाँ पे हम लोग स्टैमरर्स आते हैं और आपस में हेल्प आउट करते हैं, एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं और बहुत फ़ायदा हो रहा है. और ये मैंने कराची में स्टार्ट किया था इन जनवरी 2018 और आज अलहमदिल्ला हमारे जो मेंबर्स हैं वो ग्रो हो रहे हैं. और अगर आप स्टैमर्स हैं और आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं प्लीज़ हमें कांटेक्ट करें. स्पीच और एतमाद मोहब्बत के ज़रिए इनका हौसला बढ़ाया जा सकता है. कराची में नौजवानों का स्टैमर सर्कल इदारा अपने फ़राइज बखूबी निभा रहा है. जी नाज़रीन, आपको हमारा इवेंट कैसा लगा? आई होप आपको अच्छा लगा होगा. और इवेंट देखने के बाद जितने भी स्टैमर्स हैं जो स्टैमर सर्कल ज्वाइन करना चाहते हैं प्लीज़ ज्वाइन अस. और यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन आवर फेसबुक पेज स्लैश स्टैमर सर्कल.